आज ना इस्त्री बकेट के बारे में लर्न करेंगे। तो पहले देख लेंगे इस्त्री बकेट यूज किस लिए किया जाता है, उसके बाद उसको क्रिएट कैसे करना है, और एक पॉलिसी के बारे में लर्न करेंगे, जो कि मैंने आईएम पॉलिसी आईएम सर्विस के बारे में बताया था। तो उसके अंदर पॉलिसीज होते हैं, तो वो पॉलिसीज के बारे में लर्न करेंगे। देन उसके बाद ना आप उसके एपीआई वगैरह क्रिएट करके आप इस्त्री बकेट का यूज कर सकते हो। मीन्स आपको प्रॉपरली यूज करना है कि इमेजेस वगैरह अपलोड करने के लिए, तो आप खुद थोड़ा एक्सप्लोर करो, और हो सकता है तो एंडिंग में मैं आपको बता दूंगी एपीआई वगैरह क्रिएट करके बता दूंगी कि उसको अपलोड वगैरह कैसे करना है। इस नोड जो इसका एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर एपीआई क्रिएट करेंगे, और उस एपीआई का यूज करके इस्त्री बकेट्स के अंदर जो भी हमारे इमेजेस है फाइल्स है उसको अपलोड कैसे करना है ये देखेंगे। तो आज इस्त्री बकेट को क्रिएट वगैरह कैसे करते हैं ये मेनली सीखेंगे, और पॉलिसीज क्रिएट कैसे करते हैं ये देख लेंगे। हाँ हाँ तो जो S3 बकेट है इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स मीन्स होते हैं आपके फाइल्स इमेजेस, उसके अंदर आ सकते हैं। जब भी हमको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तब हम यूज करेंगे S3 बकेट्स का। तो वहीं पे क्या होता है, हमारा जो भी डेटा है परमानेंट स्टोर रहता है, तो कभी भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके ना मैं चार पांच आपको एडवांटेजेस बता दूंगी कि वो क्यों हम S3 बकेट्स को यूज करेंगे। तो मेनली हम एक टाइम उसके अंदर अपलोड कर देंगे हमारी जो भी इमेज है, इसको हमने एक टाइम अपलोड कर दिया, मीन्स हमने एक बार उसको लिखा है, और हमको मल्टीपल टाइम उसको फेच करना है, तब हम उसको मल्टीपल टाइम फेच कर सकते हैं। तो मेनली S3 बकेट की डेफिनेशन ये आ जाएगी कि S3 इज अ, मीन्स ऑफिशियल डेफिनेशन इसकी ये है, S3 इज अ ब्यूल टू स्टोर, हमको डेटा क्या करना है स्टोर, टू रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। मीन्स हमको डेटा स्टोर करना है और उसको जब भी रिट्रीव करना है तब हम उसको रिट्रीव कर सकते हो, और ये डेटा कहाँ से भी हम ले सकते हो। तो उसके लिए भी S3 बकेट जो होती है ये प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है। तो आपको कहाँ से भी डेटा लेना है तो आप उसको पब्लिक रखो, और आपको सिर्फ डेटा जो हमने उसके अंदर सेट किए है क्रीडेंशियल वहां से लेना है। मीन्स उसके लिए मैंने बोला कि आपको पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करना पड़ती है, तो वो पॉलिसी का एक्सेस हमने दे दिया, तो सिर्फ उस पॉलिसी से आपको एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बकेट है उसको प्राइवेट रखेंगे। तो जो पॉलिसी का एक्सेस दिया है, जिस यूजर का एक्सेस दिया है, वहां से क्या हो जाएगा, आपका डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो दो टाइप के बकेट्स होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। लेकिन आपने पब्लिक रखा तो कहां से भी आपके इमेजेस ओपन भी हो जाएंगे, और आपका जो भी डेटा है कहां से भी आप अपलोड कर सकते हो उसके अंदर। तो जो भी डेफिनेशन वगैरह रहेगी वो थेरोटिकल पार्ट रहेगा, और आपको इंटरव्यूज में भी थेरोटिकल पार्ट ही पूछा जाता है, तो वो प्रॉपरली रीड करो। मैं तो बोलूंगी जितनी थ्योरी हो सकती है उतनी थ्योरी आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करके प्रॉपरली करो। जब भी आपके इंटरव्यू वगैरह हो जाते हैं तो वो लोग बोलेंगे नहीं कि मुझे S3 बकेट क्रिएट करके दिखाओ, वो लोग बोलेंगे उसके लिए आपने कुछ APIs किए हैं क्या, वो दिखाओ, या फिर S3 बकेट को एक्सप्लेन करो उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो उसके फोर मेन एडवांटेजेस है। तो उसके अंदर फर्स्ट एडवांटेजेस है अनलिमिटेड स्टोरेज। तो अनलिमिटेड स्टोरेज मीन्स S3 बकेट के अंदर कुछ ऐसा स्टोरेज नहीं है कि आप इतना ही डेटा उसके अंदर पुश करो, आपको जितना चाहिए उतना डेटा आप उसके अंदर पुश कर सकते हो, इसका स्टोरेज कभी भी फिल नहीं होगा, फुल नहीं होगा। तो मान लो S3 बकेट नहीं है, आपको आपका डेटा स्टोर करना है, या फिर आपके असाइनमेंट्स का डेटा है, अभी सबके इतने असाइनमेंट्स आते हैं, इतना सारे इमेजेस होते हैं, इमेजेस की साइज भी बड़ी होती है, तो हमको वो डेटा स्टोर करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर वगैरह खरीदना पड़ता है उसी टाइम। लेकिन अभी S3 बकेट एग्जिस्ट करती है तो सारा डेटा वहीं पे चला जाता है, और उसके अंदर स्टोरेज का कुछ लिमिट नहीं, जितना चाहिए उतना डेटा आप उसके अंदर ऐड करो। तो S3 बकेट ने क्या किया, हमको जो भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर वगैरह लगते हैं वो हार्डवेयर वगैरह हमको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको हो सकता है पेन ड्राइव, आपको कुछ भी डेटा स्टोर करना है, तो हमने क्या किया,
कि पेन ड्राइव खरीदो, उसके अंदर डेटा स्टोर करो, और उसके अंदर भी साइज का लिमिट होता है 15 GB 16 GB, उतना ही डेटा हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये यस्त्री बकेट का यूज किया तो क्या हो जाता है, अनलिमिटेड जितना चाहिए उतना डेटा आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। देन उसका सेकेंड जो एडवांटेज है ये है कि आपकी जो भी सिंगल फाइल होती है, जो भी सिंगल फाइल मीन सिंगल इमेज, तो उसकी साइज 5 TB तक हो सकती है। मीन सिंगल जो भी इमेज है, एक इमेज आपको अपलोड करना है, उसकी साइज होती है 1 MB 1 KB ऐसा कुछ, तो उसकी जो भी साइज है वो आप 5 TB तक उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। 5 TB से ज्यादा नहीं होगा, 5 TB से कम, मीन टीबी मीन्स आप उसको बहुत ज्यादा, टीबी मीन्स उस इतनी साइज कभी नहीं होगी आपकी इमेजेस की वगैरह। तो किस मीन्स कितना अलाउ करता है, तो एक फाइल का, एक ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट मीन्स आपकी एक फाइल, तो फाइल मीन्स कौन कौन से आ सकते हैं, इमेजेस आ सकते हैं, आपके वीडियोज आ सकते हैं, तो सारा डेटा, तो एक वीडियो आपका 5 TB तक हो सकता है। तो उसका सेकेंड एडवांटेज है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसकी जो भी साइज है 5 TB तक हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने कॉलेज के वगैरह, तो उसके अंदर हम इमेज अपलोड करते हैं, तो लोग बोलते कि इमेज की साइज सिर्फ 20 KB तक है, तो आपको आपकी साइज ज्यादा है तो वहीं पे वो इमेज अपलोड नहीं होती, उसको हमको कॉम्प्रेस करना पड़ता है। तो वैसे ये आपकी जो भी इमेज की, कौन सी भी फाइल हो, कौन सा भी ऑब्जेक्ट होती है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की साइज 5 TB तक आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका थर्ड एडवांटेजेस क्या है, तो इसका थर्ड एडवांटेजेस है राइट वंस एंड रीड मेनी। तो राइट वंस रीड मेनी का मीनिंग है आपने एक बार फाइल को अपलोड किया है, जैसे आपने एक इमेज अपलोड की यस्त्री बकेट के अंदर, तो एक बार आपने उसको क्या किया है, राइट किया है, लेकिन आपको मल्टीपल टाइम उसको फेच करना है, तो मल्टीपल टाइम आप उसको फेच करके रीड कर सकते हो। तो फेच हम किसके लिए यूज करते हैं, रीड के लिए, तो आपको मल्टीपल टाइम उसको रीड करना है, तो ये भी पॉसिबल है। एक टाइम राइट करो, मल्टीपल टाइम उसको क्या करो, रीड करो, तो उसके अंदर भी बहुत सारी इमेज आपको डिलीट करना है तो आप इमेज को डिलीट कर सकते हो, आपको अपडेट करना है इमेज को अपडेट कर सकते हो, आप तो पुश तो कर रहे हो, डिसलाइक तो कर रहे हो, इस अपलोड कर रहे हो, और आपको रीड करना है, तो जितने टाइम चाहिए उतने टाइम आप उसको रीड भी कर सकते हो। और इसके बाद है फोर नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.99999999, इसके आगे बहुत सारे 999, और ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग है, तो आपने एक इमेज अपलोड की तो इमेज कभी भी मिस लॉस नहीं होगी, वो हमेशा वहीं पे अपलोड ही हो जाएगी। ड्यूरेबिलिटी मीनिंग है कि लंबे समय तक वहीं पे वो टिकित रहेगी, और आपको जब भी आपने अपलोड की तो वो कभी फेल नहीं होगी। मीन्स कितने परसेंट दिए उन लोगों ने, 99.999, जितने भी 9 हो गए उसके आगे उतने 9, तो इतने मीन्स आपने इमेज अपलोड की तो वो इमेज 100% 99% आपकी इमेज अपलोड ही हो जाएगी, और वो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगी। ऐसा हो जाता है ना कुछ दिनों के बाद इमेज वगैरह नहीं दिखती, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा इस यस्त्री बकेट के अंदर। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आपने इमेज सेंड की तो 15 डेज के बाद वो डाउनलोड नहीं होती या फिर दिखती नहीं, विजिबल नहीं रहेगी, तो ऐसी जो भी केस है ये कभी भी आपको मिलेगी नहीं यस्त्री बकेट के अंदर। हमेशा आपको लॉन्ग टाइम के लिए ये जो भी इमेज आपकी वो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये मोर मेन क्या है, फोर एडवांटेजेस है यस्त्री बकेट के। और भी एडवांटेजेस है, जैसे हमको डेटा का जो भी डेटा रहता है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, हमको रीड करना है तो जल्दी से हमको डेटा मिल जाता है, ये भी है उसका परफॉर्मेंस। उसके बाद हमेशा आपकी इमेज जो भी है ये अवेलेबल रहती है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, उसके अंदर सिक्योरिटी रहती है, हमको सिक्योरिटी मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं, आपको पब्लिक रखना है तो पब्लिक रखो, प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट रखो, तो कोई भी इमेजेस वगैरह फेच नहीं कर सकते। तो ये सारे जो चीजें है ये यस्त्री बकेट के अंदर अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लेने से अच्छा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस परचेस करो उसके अंदर डेटा स्टोर करने से अच्छा हम क्या करेंगे, यस्त्री बकेट का यूज करेंगे। यस्त्री बकेट के अंदर जितना भी हमारा डेटा है उतना डेटा हम उसके अंदर स्टोर करेंगे, तो हमको कौन सा भी मिस सिक्योरिटी बोल दो, मेंटेनेंस बोल दो, परफॉर्मेंस बोल दो, ये सारी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेन फीचर है यस्त्री बकेट का। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करना है, और मैं पहले ये बता देती हूँ कि इसके स्टेप्स जो है ये आपको याद रखना पड़ेंगे, ये थोड़े हार्ड है,
ये सबको स्टेप्स ही याद रखना पड़ेंगे। तो ये प्रॉपरली देखो स्टेप्स क्या क्या है, आपको जो भी थ्योरी है ये कहाँ पे भी मिल जाएगी, आपने थोड़ा रीड किया तो आपको इजीली समझ में आएगा। और मुझे नहीं लगता ये कभी भूलोगे। यस्त्री बकेट का नेम अभी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, कल परसों सुना होगा, लेकिन किसी ने भी आपको बोला यस्त्री बकेट क्या है तो आप एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो कि इसके अंदर हम हमारा जो भी डेटा है वो स्टोर कर सकते हो, और वो जो भी डेटा रहता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रहता है, मीन्स ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट का मीनिंग है आपका जो भी फाइल्स इमेजेस वगैरह होते हैं वो इमेजेस। तो आप थ्योरी इधर उधर से बता सकते हो, लेकिन जो स्टेप्स वगैरह क्रिएट करने के, एक स्टेप भूल गई ना तो आपके मीन्स डेटा पुश नहीं होता या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो स्टेप्स प्रॉपरली देखो, तो मैं पहले AWS का अकाउंट ओपन कर लेती हूँ। साइन इन, देन यहीं पे आपको रूट यूजर यूज करना है। मैंने रूट यूजर चूज किया यहीं पे, ओके ये ओपन हो गया आपका जो भी AWS का अकाउंट है ये। तो मैंने रीजन्स के बारे में पढ़ाया था कि जो भी रीजन्स है वो रीजन्स पहले हमको सेट करना पड़ेंगे। अभी हमको डेटा स्टोर करना है तो डेटा कौन से रीजन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मान लो आपका जो भी डेटा है आपके सारे यूजर्स यहाँ पे है, मीन्स पुणे में है या फिर पुणे के साथ में है, तो हम क्या करेंगे, रीजन कहाँ से मीन्स चूज करेंगे। हमारे पास में जो भी रीजन है ये तो बैंगलोर हो सकता है या तो मुंबई हो सकता है, तो मुंबई बहुत पास में, तो हम रीजन सेट करके रखेंगे मुंबई। तो जब भी आपका AWS का अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको पहले रीजन सेट करना है। तो यहाँ पे देखो आपका जो भी अकाउंट है उसके पहले यहीं पे आपको सारे रीजन मिल जाएंगे। देखो यहीं पे आपको मुंबई, देन उसके बाद सिंगापुर, टोकियो, सेंट्रल, ये पेरिस, जितने भी रीजन है, और ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट था यूरोपी जो है ये सिलेक्ट था, लेकिन अभी हमारे पास में ये नहीं है तो हमारा जो भी डेटा स्टोर होगा ये कहाँ पे होगा, तो हमारा डेटा स्टोर होगा मुंबई में। तो आपको यहीं पे मुंबई सिलेक्ट करना है। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर भी एक बार वो वेबसाइट रिफ्रेश हो गई, तो इसके आगे हम जो भी करेंगे वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, मुंबई वाला जो भी रीजन है वहीं पे स्टोर करेगा। तो हमारे यूजर्स हमका हमारा डेटा फेच करेंगे तो हमारा रीजन भी पास में है तो उनको डेटा भी क्या मिल जाएगा, मीन्स अच्छे से फास्टली रिट्रीव होगा, फास्टली फेच होगा। तो पास में जो भी रीजन है उसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। मेन जी अभी हमने रीजन स्टोर किया है तो हमारा मीन्स प्राइमरी रीजन ये रहेगा, वैसे तो बाकी रीजन के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है। जैसे मुंबई वाला जो रीजन है, मुंबई वाला जो सेंटर ये फेल हो गया तो हमारा डेटा कहाँ से मिलेगा, तो और कोई डेटा सेंटर से मिलेगा हमको डेटा, और कोई रीजन से मिलेगा। लेकिन हाँ कि इन केस आपका ये रीजन फेल भी नहीं हुआ है तो प्राइमरी आपकी ये स्टेप रहेगी, प्राइमरी आपको डेटा मिलेगा आपके जो भी आपने रीजन सेट किया था उस रीजन से। तो आपने मुंबई सेट किया है तो मुंबई से हमेशा आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, अभी स्टोरेज वाली चीज करना है। तो पहले क्या करो, आपका अकाउंट ओपन करने के बाद आपको रीजन सेट करना है, और देन उसके बाद यहाँ से यहाँ पे क्या है, पूरे जितने भी रीजन अवेलेबल है वो सारे रीजन से आप एक बार चेक कर लेना, और जो भी आपका वर्ल्ड का मैप होता है तो उसके अंदर ये रीजन कहाँ कहाँ पे है एक बार चेक कर लेना। मीन्स वो मैप सर्च करो, मैप के अंदर ये सारे रीजन सबको मिल जाएंगे। तो ये सिंगापुर है कहाँ पे है, टोक्यो कहाँ पे है, ये मैप के अंदर एक बार देख लेना कितने रीजन है और कहाँ कहाँ पे है। देन अभी हमको लर्न करना है ये S3 बकेट्स के बारे में। तो पहले मुझे सर्विस जो भी S3 बकेट की सर्विस है वो सर्च करनी है, तो मैंने ये पे क्लिक किया और ये पे मैंने सर्च किया S3। तो देखो S3 सर्च किया, ये पे आया स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर आपको क्या करना है, आपका डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे इसी S3 का यूज करेंगे। ये क्या है, स्केलेबल स्टोरेज है, इसके अंदर कभी भी डेटा आप ऐड कर सकते हो, कभी भी डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो ये क्या है, स्केलेबल है, आपको कुछ भी इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे प्राइवेट डेटा हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकता है, स्टोरेज लिमिट भी नहीं है, तो किसका भी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये स्केलेबल है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देख जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहीं पे आ गया क्रिएट बकेट। तो आपको डेटा स्टोर करना है, दिस ऑब्जेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन S3 इज स्टोर इन अ बकेट। तो आपके बकेट के अंदर आपको डेटा ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगी, बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक किया। देन उसके बाद
अभी यहाँ पे रीजन्स आते हैं, तो आप ना कौन से रीजन्स के अंदर ये फिर से डेटा आपको स्टोर करना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे मुंबई है, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड है, तो आप क्या करो ये सिलेक्ट करो। ये बाय डिफॉल्ट क्यों सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ पे पहले मुंबई सिलेक्ट किया था, तो उन लोगों ने आपका रीजन भी क्या दिया है, ये एशिया पैसिफिक मुंबई एपी साउथ वन, तो ये आपका रीजन है, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको ऐसा ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे आपने सिलेक्ट नहीं किया तो वो कुछ भी सजेस्ट करके यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था वो आपको वहीं पे मीन्स आपको रेफर करेगा, लेकिन अभी हमने मुंबई सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे भी आपको मुंबई ही सजेस्ट करेगा। देन अभी हमको क्या देना है, बकेट का नेम, देखो जो भी बकेट का नेम है ये बकेट का नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मीन्स जैसे योगिता ने एक बकेट बनाई है तो योगिता ने जो बकेट का नाम दिया है वो गायत्री नहीं दे सकती, वो श्वेता नहीं दे सकती, मीन्स ग्लोबली बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए, जैसे आपके यूजर नेम होते हैं लिंक्डइन के यूजर नेम, वो किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मीन्स मेरा यूजर नेम आपका यूजर नेम सेम है ऐसा तो नहीं होता कभी, तो ये बकेट का नेम भी कभी दो पर्सन का सेम नहीं हो सकता, तो जब सेम है तो बोल देगा कि यूनिक यूनिक आपको बकेट का नेम देना पड़ेगा, तो ऐसे आपको यूनिक नेम देना है, और ये बकेट का नेम ग्लोबली यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अकाउंट के लिए, आपके रिपोजिटरीज का कैसा होता है हमारे अकाउंट के लिए, मीन्स वो डुप्लीकेट करने के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ हमारे अकाउंट के लिए रहता है, मैंने जो मेरा रिपोजिटरी का नेम दिया है वो आप आपके अकाउंट के ऊपर दे सकते हो, ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको बकेट का नेम देना है ये ग्लोबली चेक करता है कि किसी और बंदे ने इसका मीन्स सेम बकेट का नेम दिया है क्या, दिया है तो वो बोल देता है कि डुप्लीकेट बकेट का नेम है आप यूनिक नेम दे दो, तो ये भी यूनिक नेम देना है, तो यहाँ पे मैं और ये बकेट का नेम हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये पे मैं नेम देती हूँ आईजीसीपी डैश फर्स्ट बकेट। अब मैंने ये नेम दिया, मान लो ये यूनिक है, अभी हम बाद में जब क्रिएट करेंगे तब वो बोल देगा कि यूनिक है क्या नहीं, तो मैंने ये बकेट का नेम मिस दिया है तो आप लोग ये बकेट का नेम नहीं दे सकते, आपको कुछ यूनिक नेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बकेट का नेम मैंने ऑलरेडी दिया है तो ग्लोबली सर्च कर लेगा किसी का नेम है क्या इस बकेट से, तो है तो आपको अनदर नेम देना पड़ेगा। देन उसके बाद कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, ओके, कुछ बकेट्स के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग बकेट हमने बनाई है उसके अंदर कुछ सेटिंग करके रखी है, तो वो सेम सेटिंग आपको इस बकेट के लिए यूज करना है क्या, तो करना है तो उस बकेट को चूज करो, लेकिन इसके पहले हमने एक भी बकेट नहीं बनाई है उसके अंदर कुछ भी सेटिंग्स वगैरह नहीं किया है तो हमको कुछ भी बकेट को चूज नहीं करना है। देन ये पे आता है ऑब्जेक्ट ओनरशिप, तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप आपको ये डिसेबल करके रखना है, ये जो भी ACL है इसको बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल ही रखता है, तो आपको इसको डिसेबल रखना है, मींस आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज करते हो इसके अंदर जो भी पॉलिसीज हम लोग दे देंगे, जो भी पॉलिसी बाद में क्रिएट करेंगे वही पॉलिसी हमको यूज करना है, बाकी वाले कोई भी पॉलिसीज हमको यूज नहीं करना है, मैंने पॉलिसी बनाई तभी ये क्या रहेगा हमारी बकेट जो है ये एक्सेसिबल रहेंगे, और जब हम पॉलिसी का मेन फंडा ये होता है जब हम APIs क्रिएट करेंगे उसके अंदर सीक्रेट आईडी एंड सीक्रेट की होती है, तो हमको वो यूज करना पड़ती है, जिस API के अंदर मैंने वो सीक्रेट की एंड सीक्रेट आईडी यूज की है तो उसी API से क्या हो जाएगा आपके यस्ली बकेट के अंदर डेटा अपलोड हो जाएगा, मीन्स हमने उसको प्राइवेट बनाया है क्या करेंगे एक सीक्रेट की एंड सीक्रेट आईडी जनरेट करेंगे, तो सीक्रेट की एंड सीक्रेट आईडी जिस API के अंदर यूज की है और जिस S3 बकेट के अंदर है वो ही पर्सन क्या कर सकता है इस S3 बकेट के अंदर डेटा अपलोड कर सकता है, बाकी लोग नहीं करेंगे, बाकी लोगों ने किया तो वो क्या रहेगा पब्लिक रहेगी, मीन्स जो भी बकेट रहेगी वो पब्लिक रहेगी। देन उसके बाद देखो यहाँ पे आता है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, तो ये वाली जो भी बकेट है इसको आपको पब्लिक नहीं रखना है तो इसको अनटिक करो, अब देखो ये ब्लॉक नहीं है तो ये जितने भी ये थे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट ऑब्जेक्ट ग्रांटेड थ्रू ये सारे अभी क्या हो गए हैं पब्लिक हो गए, जिसके भी थे इसके अंदर अभी कोई भी पर्सन क्या कर सकता है डेटा अपलोड कर सकता है, लेकिन इसको हमको अभी पब्लिक नहीं करना है, पब्लिक करना है तो पब्लिक की स्टेप सेफ रहेगी उसके अंदर कोई भी क्या कर सकता है डेटा अपलोड कर सकता है, लेकिन अभी हमको लर्न करना है प्राइवेट के बारे में क्योंकि हम हमेशा डेटा प्राइवेट रखेंगे, तो मैंने ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ये क्रिएट किया है, मीन्स इसके अंदर की जो भी डेटा वगैरह अपलोड करना है ये क्या रहेगा प्राइवेट रहेगा, जिसको सीक्रेट की वगैरह पता रहेगी वही एक्सटर्नल डेटा ऐड कर सकता है, एक्सटर्नल मीन्स APIs के थ्रू, आपको APIs के थ्रू डेटा ऐड करना है तो क्या यूज करो सीक्रेट की सीक्रेट आईडी का यूज करो, और आपको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करना है तो यहाँ से इजिली वो अपलोड हो जाएगा।
बकेट वर्जनिंग, ये प्रॉपरली देखो, वर्जनिंग इज मीन्स कीपिंग अ मल्टीपल वेरियंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द सेम बकेट. अभी देखो एक ही आपका फाइल है, उस फाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, जैसे आपके मोंगोडीबी के अंदर वर्जन होते हैं वैसे ये वर्जन, तो एक सेम फाइल के आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रखना है कि सेम फाइल है और उसको मल्टीपल टाइम अपलोड करना है क्या. तो एक फाइल हमेशा हमारे पास क्या होता है, हमने दो बार क्लिक किया तो दो बार एपीआई कॉल होती, वैसे हमने एक बार फाइल को अपलोड किया, हो सकता है आपसे दो बार हो गए, तो सेम फाइल दो बार आपको अपलोड करनी है क्या, तो मल्टीपल टाइम उसको डुप्लीकेटली अपलोड करना है, तो उसको बोला जाता है वर्जनिंग. तो इसको हमको अपलोड नहीं करना है डुप्लीकेट टाइम, एक ही टाइम एक ऑब्जेक्ट अपलोड होना चाहिए. सेम इमेज है उसके अंदर कुछ मीन्स कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो एक टाइम ही हमको अपलोड करना है, और जितने टाइम हमको फेच करना है हम तो फेच कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको क्या रखा है, डिसेबल रखा है. देन ये टैक्स, तो इस टैक्स के बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है, ये टैक्स ऐसा है ऐसे ही रहेंगे. देन डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन ऑटोमेटिकली अपलोड फॉर न्यू ऑब्जेक्ट स्टोरेज दिस बकेट. तो ये जो भी इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन मीन्स वो डेटा को इंक्रिप्ट कर सकता है, ये वो सारी चीजें, तो हमने उसको बोला है कि आप वो देख लो आपको डेटा इंक्रिप्ट वगैरह करना है तो सर्वर साइड पे ही करो, हम उसका कुछ भी नहीं करेंगे. तो जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही रखो, वो बाय डिफॉल्ट S3 बकेट आपके लिए डेटा इंक्रिप्ट करना है क्या करना है करके दे देगी, लेकिन आपने जो डेटा अपलोड किया है वो उसी क्वालिटी का डेटा आपको मिल जाएगा. देन उसके बाद ये बकेट, हर बकेट के लिए की होती है, जो भी मैंने बोला कि आपको सीक्रेट की वगैरह चाहिए होती है, तो हम यहाँ से उसको जनरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने उसको इनेबल करके रखा है. तो जब हम APIs का यूज करेंगे तो मुझे सीक्रेट की वगैरह लगेगी, तो इसलिए मैंने उसको इनेबल करके रखा है, तो बाद में मुझे यूज करना है तो वहां से मैं वो डाउनलोड करके यूज कर सकते. एडवांस सेटिंग के अंदर क्या है, ये पे ऑब्जेक्ट लॉक, तो ऑब्जेक्ट लॉक मीन्स होता है हम जो भी ऑब्जेक्ट्स अपलोड करेंगे, ये पे दिया देखो स्टोरेज ऑब्जेक्ट यूजिंग राइट वंस रीड्स मेनी, तो इसको बोला जाता है वॉर्म मीन्स WORM राइट वंस रीड मेनी, जो भी मैंने एडवांटेज बताया था. मॉडल हेल्प्स टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रीडन, मीन्स आपको वो डेटा ओवर राइड करना है या फिर आप उसको बोल सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट का लॉक है उसको प्रॉपरली लॉक लगाना है या फिर वो डेटा कहाँ से फेच होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है. तो उसको मैंने डिसेबल करके रखा है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर हमको मीन्स हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है. हमको हमने डेटा अपलोड किया तो उसको हमारा डेटा तो इतना ये नहीं होता ना कि प्राइवेट नहीं होता, हमारे इमेजेस वगैरह ही होते, प्राइवेट डेटा है तो उस टाइम हम देख लेंगे, लेकिन हम क्या अपलोड करते हैं तो इमेजेस वगैरह अपलोड करते. बेसिक डेटा हो तो आप आपके मोबाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो जो भी प्राइवेट है, लेकिन जैसे आपके असाइनमेंट किसी ने भी लिया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको लॉक वगैरह लगाने की क्या जरूरत है, नहीं है, तो ऐसा डेटा है तो मैंने उसको डिसेबल करके रखा है. तो कुछ कुछ ये जो सेटिंग्स रहते हैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहते तो हमको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन लोगों ने हमको वही से ऐसे ही सजेस्ट किए होते कि इसको ऑफ ही रखो, तो हम भी उसको ऑफ रखेंगे. जब आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो. देन मैंने क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक किया, जैसे क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक किया हमारी बकेट क्रिएट हो गई. अब देखो ये IGCP पे फर्स्ट बकेट नेम जो भी था ये यूनिक था, यूनिक नहीं है तो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके नेम के तरफ, तो आपको नेम जो है वो यूनिक देना पड़ेगा. अब मैंने ये बकेट बनाई तो इसी नेम से आप आपकी बकेट नहीं बना सकते, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा. तो ये बकेट का नेम है IGCP फर्स्ट बकेट, ये आपका रीजन का नेम है मीन्स इस रीजन के अंदर आपका ये मीन्स बकेट जो है ये क्रिएट हो गई, और आप जो भी इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे वो मुंबई की जो भी आपने रीजन सिलेक्ट की थी इसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा. देन जो भी बकेट का एक्सेस है, ये बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, हमने पब्लिक बनाया क्या उसको, नहीं, तो ये पब्लिक नहीं है. देन क्रिएशन डेट, तो जब भी आपने ये बकेट क्रिएट की उसकी ये डेट है. अब मैं बकेट के नेम के ऊपर क्लिक कर रही, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमको क्या करना है, बकेट्स के अंदर कुछ डेटा अपलोड करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड करेंगे, लेकिन जब आपको Node.js का एप्लीकेशन है और उसके अंदर आपको डेटा अपलोड करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, APIs क्रिएट करना पड़ेगा. तो मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया. देन उसके बाद अभी आपको क्या अपलोड करना है, तो एड फाइल के ऊपर क्लिक करो. फिर से मैं प्रोसेस बता देती हूँ, मैंने IGCP फर्स्ट बकेट के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन, यहाँ पे भी अपलोड है यहाँ पे भी अपलोड है, तो मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया. देन आपको फाइल अपलोड करना है तो मैंने एड फाइल किया. देन अभी जो भी पिक्चर रहेंगे वो मैं अपलोड कर सकती हूँ, जैसे लैम्डा का पिक्चर है मैंने ओपन किया. देन इसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक किया,
हमारी जो भी इमेज थी, देखो इमेजेस डॉट पीएनजी ये उसका नाम था, तो ये इमेज क्या हो गई है, अपलोड हो गई। और फिर से मैं क्या करती हूँ, एक बार बैक। अब देखो मैंने बकेट्स के ऊपर क्लिक किया, देन उसके बाद हमको आईजीसीपी फर्स्ट बकेट मिल गई, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके अंदर मैंने एक इमेज को अपलोड किया था, वो इमेज का नाम है इमेजेस इमेजेस डॉट पीएनजी। अब मैं इसको ओपन करके चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ से एक्सेसिबल है क्या वो चेक करते हैं। यहाँ से ये इमेज एक्सेसिबल है, मैंने क्या किया उसको ओपन करने के लिए पहले इमेज के ऊपर क्लिक किया, मैं कौन सी इमेज को आपको ओपन करना है, इसको मैंने क्या किया है सिलेक्ट किया है, उस इमेज को सिलेक्ट किया, ऊपर आपको ओपन का ऑप्शन रहेगा, तो इस इमेज को मैंने ओपन किया, तो ये इमेज क्या हो गई है ओपन हो गई। तो ऐसे आपको क्या करना है बकेट क्रिएट करना है। तो फिर हम एक बार क्या करेंगे, 2 मिनट्स में सीधा एक और एक बकेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद पॉलिसीज के बारे में लर्न करेंगे। तो मुझे और एक क्या करना है, बकेट क्रिएट करनी है। तो फिर से मैंने क्या किया, अब S3 को सर्च किया, जैसे मैंने S3 को सर्च किया ऑलरेडी यहाँ पे एक बकेट क्रिएटेड है, अब मुझे नई एक बकेट क्रिएट करनी है, तो क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक किया। देन अभी हमको क्या करना है, ये रीजन सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, उसको ऐसे ही रहने दो। अब बकेट का नेम देना है IGCP सेकेंड बकेट, ये मैंने नेम दिया, जैसे देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट बकेट नेम देती हूँ, जो कि ऑलरेडी किसी ने इस नेम से बकेट बनाई है, ये मैंने नेम दिया। अब हमको ACL को डिसेबल रखना है, ये प्राइवेट रहेगी तो इसको भी ब्लॉक करना है, वर्जनिंग डिसेबल रहेगी, ये सर्वर साइड इंक्रिप्शन ऑन रहेगा, बकेट की इनेबल रहेगी, ये सारी सेटिंग ऐसे। क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक किया, तो देखो इसने बोल दिया बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बकेट की जो भी नेम है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं चेंज कर लेती हूँ IGCP to बकेट। अब हम चेक करते हैं, अब देखो ये बकेट का नेम यूनिक था तो क्रिएट हो गई, तो IGCP to बकेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, और उसके बाद अपलोड करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक किया, एड फाइल्स जो भी फाइल आपको ऐड करनी है, ये स्क्रीनशॉट किसका है, ओके ये मैंने फाइल अपलोड की, और जो भी आपका फाइल का नेम था वही नेम आपने अपलोड करने के बाद आ जाएगा। अब देखो ICP 7.png ये आपकी बकेट जो भी है, आपकी इमेज जो भी है ये अपलोड हो गई है। इसको आपको ओपन करना है, तो बकेट्स के ऊपर क्लिक करो, उस इमेज को पहले सिलेक्ट कर लेना और ओपन के ऊपर क्लिक करो, ये इमेज क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी। लेकिन अब जो भी मैंने IAM सर्विस के बारे में बताया था, तो IAM सर्विस क्या करती है कि कौन से यूजर को आपको एक्सेस देना है, जैसे मैंने S3 का वर्क किया है, तो S3 का जो भी मैंने APIs वगैरह है एक बंदे को बनाने के लिए बोला है, तो मैं उसको पूरा मेरा जो AWS का अकाउंट है उसका एक्सेस नहीं दे दूंगी, क्योंकि उसने बाकी सर्विसेज के अंदर कुछ चेंज किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं IAM यूजर का यूज करके क्या करूंगी, सिर्फ जो S3 बकेट है उसका ही एक्सेस दे दूंगी, और जो भी बंदा है उसको उसका ईमेल ID डाल दूंगी, और उसको सिर्फ S3 का एक्सेस देना, S3 का एक्सेस दे दूंगी, तो जब वो पर्सन AWS का अकाउंट ओपन करेगा तो सिर्फ उसको एक्सेस रहेगा S3 बकेट का, बाकी पॉलिसीज बाकी जो भी रहेगा सर्विसेज उसको वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम यूज करते हैं IAM सर्विस का। लेकिन IAM सर्विस के अंदर वो किसके लिए होता है, यूजर क्रिएट करने के लिए, कौन सा यूजर क्रिएट कर रहा है, कौन से यूजर को कौन सा एक्सेस देना है, मीन्स कौन से सर्विस का एक्सेस देना है। लेकिन उसके अंदर होते हैं पॉलिसीज, तो पॉलिसीज का यूज किस लिए किया जाता है कि हमारी जो भी सर्विस है
कौन से सर्विस की पॉलिसी क्रिएट करनी है, ताकि क्या हो सकता है जब यूजर यूज करेगा, एक्सटर्नल यूजर, आपने एपीआई के अंदर मैंने बोला सीक्रेट कीज वगैरह हमको जनरेट करना है, तो जब हम सीक्रेट कीज वगैरह जनरेट करेंगे तो ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। तो पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज मैंने किसके क्रिएट किए, मान लो S3 बकेट की पॉलिसी क्रिएट की है, और उसको मैं बोलूंगी कि सबको मीन S3 बकेट की जो भी पॉलिसी है ये जितने लोगों को एक्सेसिबल है उनको डेटा ऐड करने के लिए अलाउ करो। तो पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है ये देखो, क्यों मैं पॉलिसी क्रिएट कर रही हूँ, तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी की रहेगी ये सबकी जो भी सीक्रेट की रहेगी, सीक्रेट आईडी रहेगी, उसका यूज करके मुझे क्या करना है, S3 नाम की जो भी बकेट है तो उसके अंदर डेटा अपलोड करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, एक पॉलिसी क्रिएट करूंगी, उस पॉलिसी के अंदर S3 नाम की जो सर्विस है उसको एक्सेस दे दूंगी, और जो भी पॉलिसी है S3 की उस पॉलिसी जिस जिस यूजर को एडेड है उसको क्या कर दो, ये वाली बकेट का एक्सेस दे दो। मेनली प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि पहले क्या करो, हम बकेट बनाएंगे, तो बकेट किसके ऊपर क्रिएट की जाती है, S3 के ऊपर। तो ये S3 बकेट हमने बना ली, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस S3 का एक्सेस इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, मीन्स चार पांच लोगों को देना है। तो चार पांच लोगों को देने के लिए मैं क्या करूंगी, एक पॉलिसी बनाऊंगी, पॉलिसीज। तो मैंने एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसीज के अंदर ये पॉलिसी किसके लिए रहेगी, ये पॉलिसी रहेगी S3 बकेट के लिए, मीन्स मैंने पहले S3 बकेट बनाई, ये सिंपल बकेट आपकी हो गई। अब मुझे चार पांच बंदों को क्या करना है, इस S3 बकेट का एक्सेस देना, तो मुझे मैन्युअली उनको एक्सेस देना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक मैंने पॉलिसी बनाई, और वो पॉलिसी किसके लिए, S3 बकेट के लिए। तो जिस बंदे को मुझे S3 बकेट का एक्सेस देना है उसको मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, ये पॉलिसी ऐड करूंगी। तो जिस यूजर के अंदर ये वाली पॉलिसी एडेड है उस ये पॉलिसी किसके लिए थी, S3 के लिए। तो जिस बंदे के अंदर जिस यूजर के अंदर ये पॉलिसी एडेड है उसको क्या रहेगा, S3 बकेट का एक्सेस रहेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ती है, पॉलिसी क्रिएट करना। तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं आई एम नाम की जो सर्विस है उसको क्रिएट करूंगी। तो देखो आई एम का सर्विस का यही पे उन्होंने टैगलाइन क्या दी है, तो मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेस। तो AWS के जितने भी रिसोर्सेस है उसका एक्सेस आप खुद मैनेज कर सकते हो। अभी हमने रूट यूजर बनाया है, तो मैं रूट यूजर हूँ, और मुझे क्या करना है, आपको किसी सर्विस का एक्सेस देना है, जैसे मान लो S3 सर्विस का एक्सेस देना है, तो मैं पूरा मेरा रूट यूजर का एक्सेस नहीं ले लूंगी, क्योंकि मैंने रूट यूजर का एक्सेस दिया तो हो सकता है मेरा सारा डेटा, मेरे सारे सर्विसेस आपके पास भी ओपन हो जाएंगे। आपने कुछ चेंज किया तो मुझे ही बिल पे करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, S3 बकेट का एक्सेस दे दूंगी यूजिंग दिस आई एम सर्विस। और ये आई एम सर्विस क्या करती है, एक्सेस मैनेज करने का काम करती है। किसको मैनेज करना है उसको एक्सेस दे दो, वो मीन्स उसके लिए सिर्फ वो सर्विस एक्सेसिबल रहेगी। मैंने आई एम के ऊपर क्लिक किया, देन आपको यूजर्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको यूजर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यूजर क्रिएट करना है, जैसे आपको एक्सेस देना है तो आपको पहले यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, कौन से यूजर को आपको एक्सेस देना है। यूजर क्रिएट करना है तो यूजर के ऊपर क्लिक करो, अभी तक एक भी यूजर क्रिएटेड नहीं। यूजर क्रिएट करना है तो क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, वो मैं थोड़ी मिस कल के लेक्चर में वगैरह बता दूंगी कि स्पेसिफिक यूजर को कैसे एक्सेस देना है यूजिंग आई एम पॉलिसी। लेकिन अभी हमको लर्न करना है पॉलिसीज के बारे में। हमने जो भी S3 बकेट लर्न की है उसको मैं क्या करूंगी, S3 बकेट की पॉलिसी बनाऊंगी, और जिन जिन यूजर को मुझे उस पॉलिसी का एक्सेस देना है, S3 बकेट का एक्सेस देना है, उसके अंदर मैं सीधा क्या करूंगी, वो S3 वाली जो पॉलिसी है उसको ऐड करूंगी। अब मैंने पॉलिसीज के ऊपर क्लिक किया, आई एम सर्विस को सर्च किया, और उस सर्च करने के बाद यहाँ पे पॉलिसीज के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट जो भी पॉलिसीज है ये बनाकर रखे AWS ने। मीन्स उसको उन लोगों के कुछ काम हो सकते हैं, जैसे AWS का मैनेज करना, देन उसके बाद और भी देखो यहाँ पे जॉब फंक्शन का है, तो हो सकता है देखो प्रोवाइड फुल एक्सेस टू AWS सर्विसेज। तो जो भी वो सर्विसेज ये बाय डिफॉल्ट है AWS के लिए खुद के बना के रखे, लेकिन हमको और पॉलिसीज क्रिएट करना है, तो क्या करो क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करो। मैंने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस, कौन से सर्विस के लिए आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो मुझे S3 बकेट के लिए क्या करना था, पॉलिसी क्रिएट करनी थी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने चूज किया S3। यहाँ पे देखो ऑटो स्केलिंग, क्लाउड फ्रंट, EC2, IAM, लैम्डा, S3, SNS, तो इतने ही जो भी है, मिस और भी है, उसके लिए आपको क्या करना है,
पॉलिसीज क्रिएट करना है तो हर एक के लिए आप पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी हमने लर्न किया है S3, S3 के लिए मुझे क्या करना है, पॉलिसी क्रिएट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया S3। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन आलो, तो मैंने बोला था पॉलिसी किसके लिए क्रिएट करना है, सभी यूजर को एक्सेस देना है, लेकिन उसमें भी हमारी S3 बकेट क्या है, प्राइवेट है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी यहीं पे ऑलो ऑल S3 बकेट एक्शंस। जब मैंने ऑल S3 बकेट एक्शंस किया तो जो भी S3 की लिस्ट है, मींस S3 बकेट के अंदर जितना डेटा है वो भी विजिबल हो जाएगा, वो राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, परमिशन का मैनेजमेंट भी कर सकता है, और टैगिंग वगैरह थी ना लास्ट में वो भी कर सकता है, तो सारे एक्सेसेस मैंने क्या किया है उसको दे दी, तो उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक किया, तो जिसके अंदर ये पॉलिसी ऐड रहेगी उसको S3 बकेट का एक्सेस रहेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिसोर्सेस स्पेसिफाई रिसोर्सेस ARN फ्रॉम दिस एक्शन, इसको भी मीन ये सारे एक्शन है, जैसे बकेट, जॉब, एक्सेस पॉइंट, ये सारे क्या क्या है एक्शन है, इसके अंदर और एक्शन आ सकते हैं, तो आपको मैन्युअली ऐड करना है, तो नीचे आपको देखो ये पे ऐड परमिशंस का भी ऑप्शन होगा, तो ये सारे क्या है एक्शन है, परमिशन है, इसको आपको मैन्युअली ऐसे एक एक को ऐड नहीं करना है, और उसके अंदर भी कुछ छूट गया तो हमका जो भी डेटा है वो अपलोड नहीं हो सकता उस यूजर से, इसको डायरेक्टली क्या करो ऑल करो, स्पेसिफिक नहीं करना है उसको डायरेक्टली ऑल कर दो, तो ऑल जितने भी परमिशन है वो सारे परमिशन मैंने क्या किए इस पॉलिसी के लिए दिए, S3 पॉलिसी के लिए दिए, तो ये जो भी S3 पॉलिसी जिसको ऐड रहेगी उसको भी ऑल परमिशन रहेंगे। देन उसके बाद मैंने क्या किया है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे क्या है रिक्वेस्ट कंडीशन, तो इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। अभी हमने क्या किया है, पॉलिसीज को क्रिएट किया था किसके लिए, S3 के लिए, अब पॉलिसीज का नेम क्या रहेगा, तो पॉलिसीज का नेम मुझे देना है, तो जैसे मैंने दिया ऑल S3 परमिशंस, तो S3 के जितने भी परमिशंस है इसके लिए मुझे क्या करना है पॉलिसी क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया ऑल S3 परमिशन, जिसके अंदर ये पॉलिसी एडेड रहेगी उसको मैंने क्या किया है जितने भी परमिशंस थे रीड राइट लिस्ट अपडेट डिलीट वो सारे परमिशन दिए, तो बंदा क्या कर सकता है और परमिशंस को फेच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, तो ये मैंने पॉलिसीज का नेम दिया। डिस्क्रिप्शन आपको डालना है तो यही डाल दो, या फिर आपको और डालना है तो आप और डाल सकते हो। देन परमिशन डिफाइन इन दिस पॉलिसी, अब हमने पॉलिसी को नेम क्या दिया था S3, तो देखो ये जो भी परमिशन है वो किसके लिए है, तो S3 नाम की जो बकेट है, S3 जो सर्विस है इसके लिए ये परमिशन है। Add tax, तो ये tax वगैरह आपको कुछ add नहीं करना है। और मैंने create policy के ऊपर क्लिक किया, इसको remove करना पड़ेगा, create policy, अब ये क्या हो गई, एक policy create हो गई है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ S3, देखो all S3 permission नाम की क्या हो गई है, ये एक policy create हो गई, इसका टाइप है कस्टमर मैनेज, अब देखो ये AWS मैनेज कर रहा था, ये डिफॉल्ट है, तो इसको मैनेज कौन करेगा, AWS, लेकिन अब इसको मैनेज कौन करेगा, जिस बंदे ने बनाया है कस्टमर उसको मैनेज कर सकता है। अब हम देखते हैं फिर से, मैंने क्या किया IAM सर्विस को सर्च किया, इसके ऊपर क्लिक किया, देख अब यही सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो पॉलिसीज नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, अब हमने एक पॉलिसी क्रिएट की थी वो हमको इसके अंदर मिल जाएगी, पॉलिसी का नेम था और S3 परमिशन, तो ये पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो जो भी पॉलिसीज के अंदर आपने डेटा दिया था, देखो फुल एक्सेस जितना भी था वो फुल एक्सेस हमने दे दिया है, ऑल रिसोर्सेस का एक्सेस दिया है, तो जिस यूजर के अंदर ये पॉलिसी एडेड रहेगी उसको ये क्या रहेगा S3 बकेट का एक्सेस रहेगा, तो ये हमने पॉलिसी बना ली, और जो भी था पॉलिसी का वर्जन, टैक्स, एडिटेड अटैचमेंट वगैरह जो भी है वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, तो बेसिकली हमने क्या किया एक पॉलिसी बना ली। देन मैं थोड़ा IAM के बारे में आपको बता देती हूँ, IAM के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा, देखो ये IAM का डैशबोर्ड है, इस यहाँ से सारा मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हमने IAM का यूज करके हम बाकी यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं, तो हमने कौन से सर्विस का कौन से यूजर का एक्सेस दिया है ये यहाँ से पता चल जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो ये आपके रहेगी अकाउंट की ID, तो ये आपके अकाउंट की ID है। देन उसके बाद यहाँ पे अलाइस, तो ये जो भी अलाइस है यहाँ पे मुझे लगता है आपको आपका नेम डाल देना है, मस्ट बी नॉट, शायद मैं यहाँ पे की डाल देती हूँ, हाँ, तो जब भी आप आपकी इमेज सेंड करोगे तो इमेज के अंदर अभी नेम कैसे आता है ये देखो, S3, मैंने S3 को पहले सर्च किया, और ये जो भी IGCP फर्स्ट बकेट इसको मैंने क्लिक किया, इस इमेज को मैंने ओपन किया,
ये इमेज ओपन हो गई। अब इस इमेज के अंदर ना ये आ रहा है, इसको हम ओपन ही रखे। और अब मैं क्या करती हूँ, आई एम के अंदर जाती हूँ, यहाँ पे मैं अलाइज को क्रिएट कर देती हूँ। तो अलाइज मैंने दिया, क्रिएट अलाइज या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अब देखते हैं। अब ये था, तो देखो जब भी ये यूर, हाँ ये किसके लिए यूज होगा, ये अलाइज इसका यूज नहीं, यस्त्री का कोई यूज नहीं। तो जब हम यूजर को एक्सेस दे देंगे, यूजर को क्या हो जाएगा, इस बंदे ने एक्सेस इसको दिया है, हमने इस अलाइज को क्रिएट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वहीं पे कुछ नंबर आ जाएंगे रैंडमली, आपका अकाउंट का नंबर वगैरह आ जाएगा। लेकिन हम जब एक्सेस देते हैं तो यूजर के पास सिर्फ एक लिंक जाती है, और उस लिंक के अंदर आपका यूजर नेम है या फिर आपका अलाइज का नेम है, तो उसको इजीली पता चल जाएगा। तो ये पे देखो एक साइन यूआरएल बन गई है, ये साइन यूआरएल फॉर आई एम यूजर्स इन दिस अकाउंट। तो साइन यूआरएल के अंदर क्या आया है, आरटीसी पिन, अभी मेरा यूजर नेम आया है। तो जब भी मैं सामने वाले यूजर को ये मेरा अलाइज सेंड कर दूंगी, ये यूआरएल सेंड कर दूंगी, तो उसको पता चला जाएगा कि ये वाला बंदा था, इसने आपको इसका एक्सेस दिया है। तो इसलिए ये पे अलाइज भी आप सेट करके रख सकते हो। देन उसके बाद ना कल देखेंगे कि आई एम यूजर जो है वो कैसे क्रिएट करना है और किसको एक्सेस देना है। तो कल वगैरह मैं किसी का भी लैपटॉप ओपन करके, जिसने प्रॉपरली बनाया है, उसको मैं मेरा एक S3 का जो भी हमने पॉलिसी बनाई इसका एक्सेस दे दूंगी। तो S3 नाम की जो सर्विस है वो सिर्फ उसी बंदे को एक्सेसिबल रहेगी। तो कल हम आई एम की पॉलिसी, आई एम का यूजर कैसे क्रिएट करना है, उसको सर्विसेज का एक्सेस कैसे देना है, ये देखेंगे। और उसके बाद कल EC2 को स्टार्ट करेंगे। EC2 इम्पोर्टेंट है, और EC2 के ऊपर हम लोग हमारी जो भी वेबसाइट अभी तक हमने क्रिएट किए, हो सकता है HTML CSS की, उसके बाद हो सकता है React की, और हो सकता है आपका फुल स्टैक एंड मीन्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड का एप्लीकेशन, तो वो सारा हम लोग होस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उसको पहले होस्ट कैसे करना है, तो कल होस्ट कैसे करना है ये देखेंगे। उसके बाद हमने रिपोजिटरी के अंदर कुछ डेटा पुश किया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी पुश होना चाहिए, तो वो सेकेंड स्टेप रहेगी। और थर्ड स्टेप रहेगी कि फ्रंट एंड एंड बैकएंड को कैसे कनेक्ट करना है, तो थर्ड में हम फ्रंट एंड एंड बैकएंड का देखेंगे। तो इसे 3 स्टेप में हम EC2 को लर्न करेंगे, 3 डेज भी चले गए तो भी चलेगा, लेकिन EC2 इम्पोर्टेंट है। मीन्स हमारे जो भी इसके आगे सर्विस ये रहेंगे, प्रोजेक्ट्स रहेंगे, उसको हमको EC2 का यूज करके ही उसको होस्ट करना है। तो आपके एक्सपेंस ट्रैकर वगैरह जो भी आपने होस्ट किया है, तो डायरेक्टली आप उसको यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। तो कल वो देखेंगे, पहले IAM सर्विस के बारे में प्रॉपरली। तो आज का S3 बकेट क्रिएट करो, और आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा APIs के बारे में देख लो कि S3 बकेट का यूज करके APIs कैसे क्रिएट करना है, तो हो सकता है। या फिर APIs का छोड़ दो, React का यूज करके भी सिर्फ फाइल अपलोड और वगैरह हम क्रिएट करते हैं, वैसे फाइल अपलोड और क्रिएट करो, S3 का एक्सेस दे दो, वहां से भी वो अपलोड हो जाएगा। तो आप React में बनाओ, फिर APIs का वगैरह मैं लास्ट में वगैरह बना के दे दूंगी, या फिर प्रोजेक्ट बनाऊंगी उसके अंदर बता दूंगी। तो थोड़ा रिसर्च करो, आपको भी मिल जाएगा कि S3 बकेट का यूज करके APIs कैसे क्रिएट करना है, या फिर APIs को छोड़ दो अभी के लिए, React का यूज करके पहले एक फाइल इमेज अपलोड की, तो इमेज यहाँ पे अपलोड होनी चाहिए, यहाँ पे शो होनी चाहिए। आपको फेच करना है तो यहाँ से आप कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। तो फिर उसके लिए भी API क्रिएट करो कि S3 नाम की जो बकेट है, यहाँ से मैं क्या करूंगी, इमेज को क्रिएट कर दूंगी। तो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आप React, सिंपल React का यूज करके भी ये हो जाएगा, उसके बाद आपको APIs वगैरह क्रिएट करके भी हो जाएगा। मुझे लगता है React का यूज करके सिर्फ आप इमेज को अपलोड कर सकते हो, और आपको रिट्रीव वगैरह करना है, अपडेट डिलीट करना है, तो उसके लिए API लगेंगे, उसके लिए Node.js का एप्लीकेशन लगेगा। पहले बेसिक आप React का करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर Node.js का वगैरह देख लो, नहीं होता है तो फिर एंडिंग में मैं बता दूंगी कैसे क्रिएट करना है। और S3 के स्टेप्स जो है ये प्रॉपरली रखो, इसके अंदर S3 बकेट, ESNS, EC2, ये जो भी 4-5 सर्विसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली लाइफ में आपका भी यूज होगा। इस रेंडर पे वगैरह आपने होस्ट किया तो बहुत टाइम जाता है, तो इतना टाइम जाने से अच्छा आप आपके सारे जो भी ये है यही पे होस्ट करो। लेकिन उसके लिए ना ये भी लगता है, एक मिनट,
आपको डोमेन नेम, हाँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो मीन्स EC2 को आपको यूज करना है, आपके वेबसाइट होस्ट कर रहा है, तो आपको डोमेन, यूनिक डोमेन नेम जो होता है वो खरीदना पड़ेगा, जैसे rotoco.org, तो ऐसे आपको एक खुद का डोमेन नेम लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उस डोमेन नेम का यूज करके आपकी वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको वो सर्वर जो है वो हमेशा ऑन रखना है, किसी को आपके URL शेयर करना है तो आपको डोमेन नेम का यूज करना पड़ेगा। तो डोमेन नेम जो है वो आपको खरीदना पड़ेगा, उसके बारे में मैं पहले देख लेती हूँ सर के साथ बात करके, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं खरीदा है, टुकोट का था वही मैंने यूज किया था, और एक था मेरा चलता है कि नहीं पता नहीं, पिक्सेल। हाँ तो ये डोमेन नेम मैंने खरीदा था, pingpixel.xyz यूनिक नेम था, ये डोमेन नेम मैंने खरीदा था, और इसके ऊपर ही जितने भी एप्लीकेशंस थे ये मैंने होस्ट किए थे, और उसकी प्राइसिंग इतनी भी नहीं रही थी, 200-300 वगैरह रहती है, तो आपके साइड से हो सकता है, तो एक डोमेन नेम खरीद लेना, और जितने भी आपके एप्लीकेशन इसके आगे हो जाएंगे तो उसके आगे आपका एप्लीकेशन का नेम, जैसे expensetracker., आपने जो भी डोमेन नेम लिया है वो, मिसा हमारा यहाँ अभी कुछ भी आता है ना वो रेंडर का वगैरह, तो वैसे अभी मैंने pingpixel.xyz खरीदा, तो जो भी आपके आपके एप्लीकेशन रहेंगे उसके आगे आपको ये लगाना पड़ेगा, जैसे expensetracker.pingpixel.xyz, जैसे मैंने बनाया टिक टैक टो, तो टिक टैक टो pingpixel.xyz, तो डोमेन नेम आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, तो आपके साइड से होता है तो एक डोमेन नेम हम खरीद लेंगे, और उसकी प्राइसिंग इतनी भी नहीं होती, हमने जैसा लिया उसके ऊपर होती है, तो मुझे लगता है 1 ईयर के लिए वो आपको फ्री रहेगा, तो 1 ईयर आप इसका यूज कर सकते हो, तो देख लेंगे, लेकिन EC2 का कल परसों 2 दिन में हम खत्म कर लेंगे EC2 को ड्रॉप। ओके ठीक है, ये जो भी S3 बकेट है इसका प्रॉपरली स्टडी करो, और 2 मिनट प्लीज क्लास में रुको, कुछ मुझे